गुजरात प्रदेश में हिंदी भाषी वैसे समाज के स्थायी हो जाने के बाद वडोदरा शहर में विशेष महासंघ की रचना का आयोजन किया गया। गुजरात प्रदेश में हिंदी प्रदेश से आकर बसवाट करते वैसे लोगों के सामाजिक और राजनीतिक स्तर में बढ़ावा करने के आशय से वडोदरा के सर्किट हाउस में हिंदी भाषी महासंघ रचना का आयोजन किया गया, जो ये कार्यक्रम में प्रदेश के पदाधिकारियों के नाम की सूची प्रसिद्ध की गई थी। प्रदेश प्रमुख के तौर पर डॉक्टर महादेव झा, दिलीप नेपाली तथा जिला प्रमुख की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। डॉक्टर महादेव झा समिति के सदस्यों को संगठन की कार्य प्रणाली के बारे में चर्चा विचारणा करते हुए आने वाले दिनों में किस प्रकार से हिंदी भाषी महासंघ को आगे बढ़ाने के साथ इसका विकास किया जाए, उस मुद्दे पर चर्चा विचारणा की गई थी। वडोदरा हिंदी भाषी महासंघ वडोदरा महानगर टीम नो आज डिक्लेरेशन छे। हिंदी भाषी महासंघना संस्थापक प्रमुख डॉक्टर श्री महादेवजी झाजी अने महामंत्री श्री माननीय अरविंद सिंहजी जेना बड़प्पन हेठ आ हिंदी भाषी विकास में आखा गुजरात में चाले छे, एमना ज नेजा हेठ आजे वडोदरा महानगर की हिंदी भाषी महासंघनी टीम की रचना थवानी छे। तेना कारणे आजे अमे बधा सौ आ हिंदी भाषी महासंघना कार्यकर्ता बधा भेगा थया छे। मैं अरविंद सिंह हिंदी भाषी महासंघ का प्रदेश का महामंत्री हूं और हमारे आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर महादेव झा जी यहां मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति है। ये सुजीत पाठक जी जो हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं और भी हमारे अहमदाबाद शहर से पदाधिकारी घर आए हुए हैं। आज बड़ौदा शहर में हिंदी भाषी महासंघ की नई कमेटी बन रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आए हैं। कमेटी में दिलीप भाई नेपाली के नेतृत्व में जो इस शहर की कमेटी बन रही है, पूरे कमेटी में जो लोग होंगे इनकी सूची आप लोगों को यहाँ के अध्यक्ष उपलब्ध करा देंगे। हिंदी भाषी महासंघ गुजरात में बरसों से काम कर रही है और हिंदी भाषी महासंघ का यही उद्देश्य है कि गुजरात में बसने वाले किसी भी प्रदेश के लोग जो यहाँ गुजरात में रह रहे हैं उनके किसी भी समस्याओं का निराकरण करना और एक दूसरे से जोड़ कर रखना और गुजरात और प्लस बाहर के लोगों में एकजुटता लाना और सभी के मिलकर एक नई विकास की गाथा लिखना, यह हिंदी भाषी महासंघ का उद्देश्य है।